क्या आप जानते हैं मोहन भागवत और ओवीसी का डीएनए सेम है? ये हम नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। अब उन्होंने ये क्यों कहा, ये जानना बहुत जरूरी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए सेम है, वे चाहे किसी भी धर्म के हो, और पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने यह भी कहा था, यदि कोई कहता है कि मुसलमानों को भारत में रहना नहीं चाहिए तो वह हिंदू नहीं है, हम लोकतंत्र में है। उनके इस बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए सेम है तो फिर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून की क्या आवश्यकता है, लव जिहाद के खिलाफ कानून की क्या जरूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा इसका मतलब ये है कि मोहन भागवत और ओवीसी का डीएनए भी सेम है। उनके इस बयान पर जो हमने वरिष्ठ पत्रकार से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या वाकई में किसका डीएनए कैसा है, ये कोई मुद्दा है आज की तारीख में? तो सबसे पहली बात तो ये कि चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे दो धार्मिक समुदायों में वैमनस्य क्रिएट करने का मुद्दा हो, चाहे वो ओवैसी और आरएसएस के बयानात हो, ये सारे के सारे साजिशन किए जा रहे हैं। मैं दिग्विजय जी को भी इसी में शामिल करता हूँ। ये तमाम जो बड़बोले नेता हैं, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जब तीसरी लहर आपके दरवाजे पे खड़ी है, सरकार की कोई तैयारी नहीं है। ऐसे में जिहाद मुद्दा होना चाहिए, ऐसे में धर्मांतरण मुद्दा होना चाहिए, ऐसे में इनका डीएनए उनके डीएनए का कोई मुद्दा होना चाहिए। दरअसल चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ना बीजेपी इस पर सोचना चाहती है। एक आसान सा मुद्दा है हमारे देश में कि हिंदू मुसलमान का डिबेट करा दो, सोशल मीडिया पे आईटी सेल बना करके बैठा दो जो दो दो रुपए की ट्वीट करेंगे और पूरा डिबेट इस पे आ जाएगा। आपने मेन इंडिया को खरीद लिया है, ओबीसी से भी डिबेट करेगा। जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो मेरा सीधा सीधा मामला है कहने का कि चाहे वो कांग्रेस बात कर रही हो चाहे बीजेपी बात कर रही हो, इनको किसी को जनता से कुछ लेना देना नहीं। और जो रीजनल पार्टीज हैं, इनकी तो अपनी औकात कोई नहीं है, ये भी खत्म हो रहे हैं किसी के पास। दरअसल आज की जो संसदीय राजनीति है, इसमें किसी भी पार्टी के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि आपने सुना, अब आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि क्या इन बयानों से हटकर देश की स्थिति के बारे में सोचना चाहिए? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।